दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है मक्का में काबा के ब्लैकस्टोन की कहानी क्या है, और तो और क्या आपको मालूम है काबा के काले पत्थर को मुस्लिम क्यों चूमते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों अगर आप मक्का में बने काबा की तस्वीर देखेंगे तो उसमें साइड में एक काला पत्थर मौजूद है, जिसे छूने और चूमने के लिए लोग बेताब रहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, और आखिर इस काले पत्थर में ऐसा क्या खास है कि मूर्ति या फिर पत्थरों की पूजा करने के विरोध में बोलने वाले इस्लाम धर्म के लोग खुद इस पत्थर को चूमने के लिए धक्का मुक्की करने तक को तैयार हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी जानकारी देने आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल कोरोना वायरस के कारण मक्का के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई थी, कोई भी उसके आसपास आ नहीं सकता था। लेकिन अब श्रद्धालु उसे न केवल छू सकते हैं बल्कि चूम भी सकते हैं, क्योंकि अब घेराबंदी हटा ली गई है और उमरा और हज की यात्रा से आने वाली तस्वीरों में ये दिखाई दे रहा है कि श्रद्धालु काले पत्थर को चूम कर दुआ कर रहे हैं। अब दोस्तों हज के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये उमरा क्या है। असल में हज की यात्रा की तरह ही उमरा में भी श्रद्धालु आते हैं और मक्का की यात्रा करके प्रार्थना करते हैं। हज जहां एक विशेष महीने में किया जाता है, वहीं उमरा साल में कभी भी किया जा सकता है। उमरा के दौरान हज में किए जाने वाले कई धार्मिक कर्म कांड किए जाते हैं। उमरा के लिए दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग मक्का के पास मदीना की भी यात्रा करने के लिए जाते हैं। पिछले 2 साल तो सऊदी अरब में कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे और केवल वहां रहने वाले चंद श्रद्धालु ही मक्का के दर्शन के लिए आ सकते थे। लेकिन 2 साल बाद कई सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया और लोगों की भीड़ इस बार फिर से देखने को मिली। इस साल यानी कि 2022 में हज यात्रा 7 से 12 जुलाई तक हुई थी, जहां इसमें कोरोना महामारी के बाद पहली बार लगभग सामान्य संख्या में लोग पहुंचे मक्का। आपको बता दें कि साल 2020 में केवल 1000 लोगों को ही हज यात्रा में जाने की अनुमति मिली थी। दूसरे देशों के लोगों का मक्का की यात्रा करने पर रोक लगा दी गई थी ताकि महामारी ना फैले, और इस साल 2021 में यात्रियों की संख्या बढ़कर 60,000 हो गई और इस साल लगभग 10 लाख लोगों ने मक्का पहुंचकर हज की यात्रा पूरी की। और बात केवल यहीं पर नहीं थमेगी, आने वाले समय में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो केवल शुरुआत है। जब महामारी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी तब लोगों की संख्या 40 लाख तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों हज और उमरा की यात्रा के दौरान जिस काबा के चक्कर लगाए जाते हैं, वहां पर एक छोटा सा ब्लैक स्टोन लगा हुआ है जिसे लोग चूमते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, ये आखिर काला पत्थर है क्या, और क्या है इसका असली राज। इस्लाम में काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा एक पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम यानी एडम और हव्वा यानी कि ईव के जमाने के हैं, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और पहली औरत माना जाता है। दोस्तों कहानी के अनुसार कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पहले आदमी और औरत आदम और हव्वा को जन्नत से धरती पर भेजा गया, तो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। हव्वा अरब में मक्का के पास पहुंची तो वहीं आदम दूर कहीं पूर्व में जा गिरा, और सालों तक दोनों एक दूसरे को खोजते रहे। हव्वा की खोज करते करते एक दिन आदम मक्का जा पहुंचा और वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि हव्वा के मिलने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए आदम ने जिस जगह पर सजदा किया, वही जगह आज मक्का शरीफ के तौर पर जानी जाती है, और ठीक उसी जगह इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने भी सजदा किया और उन्होंने वहां एक इमारत का निर्माण शुरू किया, और आज उसी इमारत को हम काबा शरीफ के नाम से जानते हैं। जब ये इमारत बनकर तैयार हुई तो इब्राहिम ने इमारत में एक विशेष निशानी बनाने की सोची, ताकि इमारत को उस निशानी के तौर पर याद किया जा सके और उसी के हिसाब से लोग यहाँ पर तवाफ यानी कि परिक्रमा कर सके। हालांकि उस निशानी के लिए इब्राहिम को एक बहुत ही खास पत्थर की जरूरत थी,
वो किसी भी ऐसे वैसे पत्थर को काबा में नहीं लगा सकते थे। कहा जाता है कि उसी समय जन्नत से खास पत्थर धरती पर भेजा गया और इब्राहिम ने उसी पत्थर को इस विशेष जगह में लगाया। ये ब्लैक स्टोन या काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि इस्लाम के उदय से पहले ही इस काले पत्थर को पवित्र माना जाता रहा है। ये भी माना जाता है कि ये पत्थर जब जन्नत से धरती पर गिरा था तो इसका रंग सफेद था, लेकिन इस पत्थर को छूने वाले लोगों के पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला होता चला गया और आज ये पूरी तरह से काला पड़ चुका है। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों के लिए एक पवित्र धर्म स्थल है। इस्लाम को मानने वाले हर शख्स के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज करना जरूरी माना जाता है, बशर्ते उसके लिए आपके पास सुविधा हो और वो शारीरिक रूप से सक्षम हो। मक्का पहुंचने के बाद मुसलमान श्रद्धालु मस्जिद अल हरम जाते हैं और 7 बार काबा के चक्कर लगाकर दुआ और अल्लाह की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालु इसके बाद वहां कई और धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हज के लिए निकले सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की यात्रा करने वाले यात्री वहां से लगभग 450 किलोमीटर दूर मदीना शहर भी जा सकते हैं। मदीना में मस्जिद नबवी है जहां श्रद्धालु नमाज पढ़ते हैं। मदीना की यात्रा हज का जरूरी हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वहां जो मस्जिद मौजूद है उसे खुद पैगंबर मोहम्मद ने बनवाया था, इसलिए हर मुसलमान इसे काबा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मानता है। यहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद की मजार भी है, हज यात्री उसके भी दर्शन करते हैं। इस्लाम धर्म में ये मान्यता प्रचलित है कि जो शख्स हज की यात्रा कर लेता है उसे जन्नत नसीब हो जाती है। इसलिए माना जाता है कि सच्चे मुसलमान को अपने पूरे जीवन में एक न एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था काबा में लगे काले पत्थर का पूरा सच, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।